तो कल होने वाला है WWE का एक और इंटरेस्टिंग वाला मंडे नाइट रॉ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब कल मंडे नाइट रॉ का एक और स्पेशल वाला एडिशन होने वाला है क्योंकि ऑफ कोर्स शो के ऊपर हमारे ब्रॉक लेसनर आने वाले। तो काफी लोग ऐसे क्यों ना एक छोटी सी प्रीव्यू वीडियो बना दी जाए। तो जल्दी से बात करने वाले हैं क्या कुछ होगा कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्या रोमन रेंस एथ रॉलिंस की कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है, क्या कुछ होगा लैशली और लेसनर के बीच में, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे डिस्कस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो कल के मंडे नाइट रॉ के लिए वैसे WWE ने एक रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच ऑफिशियल कर डाला है क्योंकि RK ब्रो का आमने सामना होगा ओटिस एंड चैड गेबल यानी कि अल्फा एकेडमी के साथ में। अब मेरे हिसाब से सही में मैच कमाल का जाएगा, ओटिस की डोमिनेशन दिखाई देगी और चैड गेबल की कमाल की परफॉर्मेंस। लेकिन हम जानते हैं हमारे RK ब्रो इतनी आसानी से हारने वाले नहीं है। तो जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, जहां तक मेरी उम्मीद है, कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर एक बार फिर से RK ब्रो हमें अपनी रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आएंगे और शायद चैट गेबल को एक मिड ईयर RKO जरूर पड़ेगा कल के मंडे नाइट रॉ में। साथ में एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी WWE ने ऑलरेडी ऑफिशियल की है, यहां बियांका बेलेयर, ड्रू ड्रॉप और लिव मॉर्गन का आमना सामना होगा। जो विनर होने वाला है उसे मौका मिलने वाला बिग टाइम बैक्स करेंटली रॉ वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के अगले अपोनेंट बनने का और उस वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ बढ़ने का। लिव मॉर्गन को ऑलरेडी WWE ने काफी सारी अपॉर्चुनिटी दी है लेकिन हम देखते हैं हर बार जब भी बेकी लिंच लिव मॉर्गन का मैच एंड होता है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल वे में ही एंड होता है। चाहे मैं WWE के रिसेंटली शो डे 1 की बात करूं, मैं मंडे नाइट रॉ की बात करूं, तो लगे ऐसा लगे WWE शायद लिव मॉर्गन को एक और अपॉर्चुनिटी देगी या फिर लिव मॉर्गन सभी को चौंक आने वाली है, वो बन जाएंगे नंबर वन कंटेंडर। बात रही थी हमारी EST और WWE बियांका बेलेयर के बारे में, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें मौका मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। तो शायद मेरे हिसाब से कल मंडे नाइट रॉ में या फिर लिव मॉर्गन की विक्ट्री होगी या फिर ड्रू ड्रॉप एक शॉकिंग वे में हमें जाती हुई नजर आएंगी। बियांका बेलेयर का भी मेरे हिसाब से लेकिन वैसे काफी ज्यादा तगड़ा चांस है। बात करते हैं और क्या कुछ चीजें होंगी मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो रोड टू अलेक्सा ब्लिस जर्नी ऑफ अलेक्सा ब्लिस करके WWE ने एक चीज अनाउंस कर डाली। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही क्या एक्चुअल में कल अलेक्सा ब्लिस मंडे नाइट रॉ के अंदर आएंगी या फिर नहीं। अब अगर अलेक्सा ब्लिस कल मंडे नाइट रॉ के अंदर आती है तो शायद जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रही है वही भूतिया वाला जो करेक्टर है वो एक बार फिर से वापस आने वाला, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। और देखते शायद वापस आते सर वो इस ट्रिपल थ्रेट मैच में मैं टारगेट लेती हुई नजर आए या फिर WWE प्रोमो करके दिखा के हमें जैसे वीर कमिंग टू रॉ था वैसे अलेक्सा ब्लिस कमिंग टू रॉ दिखाती हुई नजर आएगी। बाय द वे यहां पर WWE ने एक और जो बड़ी चीज अनाउंस कर दी वो ये कि हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर शो पर होंगे और उनकी कॉन्फ्रंटेशन होगी हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली के साथ में। और WWE चीजों को इस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है, क्या बॉबी लैशली रेडी है ब्रॉक लेसनर के लिए और क्या लेसनर रेडी है उनके अगले चैलेंजर बॉबी लैशली की। तो मे बी आपको एक पॉसिबल कॉन्फ्रंटेशन देखने के लिए मिल सकती है हमारे WWE चैंपियन और बॉबी लैशली के बीच में जब ये फाइनली ड्रीम मैच होगा रॉयल रंबल 2022 में भी। जस्ट मे बी इन दोनों के बीच में कल मंडे नाइट रॉ में थोड़ी बहुत ब्रॉल देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है लैशली आउट ऑफ नोवेयर हमें एक स्पीयर लगाते हुए नजर आए, हो सकता है लेसनर आउट ऑफ नोवेयर हमें F5 लगाते हुए नजर आए, या फिर जस्ट ऐसे भी हो सकता है कि MVP और पॉल हेमन आमने सामने आएंगे और इन दोनों की बातचीत, इन दोनों का एक प्रोमो वॉर हमें देखने के लिए मिलेगा कल मंडे नाइट रॉ के अंदर। अभी रॉयल रंबल के लिए कुछ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड बाकी, तो शायद WWE जो ब्रॉल वगैरह वाला सिनेरियो वो उन मंडे नाइट रॉ के लिए बचाएगी। लेकिन फिर भी कल शायद मंडे नाइट रॉ में हमें एक छोटा सा ट्रेलर देखने के लिए मिल सकता है इन दोनों के अपकमिंग फ्यूड का जहां पर लैशली लेसनर फाइनली होंगे आमने सामने। अब बात करते हैं हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। एक बड़ा क्वेश्चन रोमन रेंस का इसलिए कल मंडे नाइट रॉ में आएंगे या फिर नहीं क्योंकि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने उन्हें कन्फ्रंट किया था स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो क्या रोमन रेंस उसका आंसर देने कल के मंडे नाइट रॉ में आएंगे या फिर नहीं, इसका ये बड़ा सवाल है। अब देखो मेरे हिसाब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस डेफिनेटली डिस्कस करेंगे किस तरीके से एडम पियर्स ने उनके पास फोन किया कि सिर्फ सेथ रॉलिंस एक ऐसे चैलेंजर है जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन कर सकते हैं रोमन रेंस को, इसलिए सेथ रॉलिंस ऑफिशियल वे में शायद हमें एक चैलेंज लेट डाउन करते हुए नजर आएंगे कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर। वो कॉन्फ्रंटेशन जो हुई थी वहां पर एक ऑफिशियल वे में अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो शायद WWE ऑफिशियल वे में अनाउंसमेंट करवाने वाली है हमारे सेथ रॉलिंस की तरफ से और वो ऑफिशियल वे में चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को रॉयल रंबल के लिए कि वहां पर वो फाइनली डिथ्रोन करेंगे रोमन को और वो ले जाएंगे उनके पास से यूनिवर्सल टाइटल। WWE ने एक बार नहीं बल्कि 10,000 बार बातें टीज की है कि भाई क्या होगा आने वाले टाइम में। अब बात रहती है कि रोमन रेंस अपीयर होंगे या फिर नहीं, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से रोमन के कल मंडे नाइट रॉ में एक्चुअल अपीयर होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है और उसका मेन रीजन है कि रोमन रेंस एक स्टार पावर है। अगर WWE को ने लाना होता मंडे नाइट रॉ में तो ऑफिशियली अनाउंस करती कि रोमन रिस्पॉन्स देने आएंगे सेथ की कॉन्फ्रंटेशन का आने वाले मंडे नाइट रॉ में ताकि टिकट सेलिंग व्यूअरशिप दोनों के अंदर फायदा हो। लेकिन मेरे हिसाब से कल मंडे नाइट रॉ के अंदर मैक्सिमम में भी ये हो सकती है हमें टेलीविजन स्क्रीन के
ऊपर आते हुए नजर आए या फिर सेथ रॉलिंस ऑफिशियल वे में रोमन को चैलेंज करेंगे अपने प्रोमो सेगमेंट के अंदर। और WWE फिर स्मैकडाउन के लिए बात अनाउंस करेगी कि रोमन रिस्पॉन्स देंगे स्मैकडाउन के अंदर सेथ रॉलिंस के चैलेंज का, और शायद वहां पर कोई चीज हमें देखने के लिए मिल सकती है। कल मंडे नाइट रॉ में शायद रोमन रेंज नहीं आने वाले और WWE लेसनर लास्टली कोई मेन फ्यूड दिखाएगी और सेथ रॉलिंस मेरे अकॉर्डिंग कल ऑफिशियल वे में चैलेंज करेंगे रोमन रेंज को उस यूनिवर्सल टाइटल के लिए। ऑफकोर्स जो मेज का फ्यूड होने वाला बेथ फिनिक्स इन सभी के साथ में वो कंटिन्यू रहने वाला है। बाकी अलेक्सा ब्लिस का देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो बनता है कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर। और भाई ये वो कुछ चीजें जो कि WWE कल मंडे नाइट रॉ में हमें दिखाएगी। देखते लैशली वर्सेस लेसनर में ब्रॉल होता है या फिर नहीं, लेकिन अगर ये छोटा सा प्रीव्यू पसंद आए तो डेफिनेटली नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।